डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो आईआईटी मेंस का 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि 8 जनवरी को हुआ था। ये शिफ्ट 2 का पेपर है यानी इवनिंग का पेपर है और केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस हैं। शिफ्ट 1 का पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिफ्ट 2 के बाकी के पार्ट्स जो है ये भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आईआईटी मेंस का क्रैश कोर्स के बहुत सारे वीडियोस और नीट के क्रैश कोर्स के बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। इन वीडियोस में वो क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनमें कैसे अप्रोच लगानी है, कैसे सीखना है, ये सब बताया गया है। साथ में ये ख्याल जरूर रखा गया है कि मिनिमम टाइम में आपकी मैक्सिमम स्टडी कराई दी जाए। क्यों? क्योंकि अभी मेंस का पेपर लगा हुआ है और नीट का पेपर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको इन वीडियोस से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा मैंने नीट का 2018 का और 2019 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया है। इसके सॉल्यूशंस कैसे हैं आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगानी चाहिए ये आप देख सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स के इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी अपलोड कर दिया है। चूंकि एनसीईआरटी का वेटेज जो है वो कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर ये वीडियोज भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। इस चैनल के मीडियम से माध्यम से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री में स्ट्रांग अप्रोच डेवलप हो जाए और आपकी बहुत बढ़िया रैंक आए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की वजह से आपकी बहुत बढ़िया रैंक आए और उससे आपको डेफिनेटली फायदा हो। तो चलिए अभी हम पेपर जो सॉल्व करेंगे वो आईआईटी मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 8 जनवरी 2020 का पेपर है और शिफ्ट 2 का पेपर है, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें आपको दिया गया है E0 की वैल्यू दी गई है Sn+2/Sn की, और ये वैल्यू जो है वो -0.14 वोल्ट है, और ये E0 Pb+2/Pb दिया गया है और ये वैल्यू -0.13 वोल्ट है। अब एक बार जरा मुझे बताओ कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस टू से ये जीरो पे आ रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है का मतलब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर भी प्लस टू से जीरो आ रहा है तो ये भी रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मतलब हमें क्या किया गया है, SRP की वैल्यू को दिया गया है। अब हम SRP की वैल्यू को हमको दिया गया है, हमसे कहा गया है कि Sn+2 और Pb+2 की कंसंट्रेशन का रेशियो कैलकुलेट करना है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमें कैलकुलेट करना है, और हमें सेल भी दिया गया है Sn, ये सॉलिड है और ये फेज बाउंड्री होगी। उसके बाद में Sn+2 एक्वस है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। उसके बाद में Pb+2 है एक्वस है, ये फेज बाउंड्री हो जाएगी, और ये Pb है सॉलिड स्टेट। साथ ही हमें डेटा भी दिया गया है, इसमें कहा गया है कि भाई 2.303 RT/F को हम 0.06 वोल्ट कंसीडर करेंगे। मान लो अगर ये वैल्यू हमें नहीं दी होती तो हम 0.059 जो है वो वैल्यू को वोल्ट को कंसीडर करते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक चीज जरा देखेंगे कि अगर हमें सेल दिया गया है और या फिर हम यहाँ SRP की वैल्यू से भी देखें तो हमें समझ में आता है कि लेड जो है वो क्या है, कैथोड का काम करता है, और टिन जो है वो कैसा है, एनोड का काम करता है। SRP में आपको याद आ रहा है कि जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है वो कैथोड होता है, और जिसकी लोअर वैल्यू होती है वो कैसा होता है, एनोड होता है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से आप E0 सेल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इक्विलिब्रियम पे अगर आप बात करो तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और डेल्टा जी जो होता है वो -NeCellF होता है। तो आप सोचो कि इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो ई सेल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इस सेल की रिएक्शंस को अगर आप लिखो तो आपको समझ में आ रहा है कि टिन चेंज हो रहा है Sn+2 में, यानी Sn चेंज हो गया Sn+2 में, और लेड Pb+2 चेंज हो रहा है Pb में, यानी Pb+2 चेंज हो गया Pb में। मैंने आपसे कहा कि भाई सॉलिड की, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता है, ये वैल्यू क्या आती है 1, तो और चेंज यहाँ पर कैसे होगा एक्वस में। अब आपको समझ में आ रहा है कि Sn+2 जो है वो प्रोडक्ट है और Pb+2 क्या है, रिएक्टेंट है, और इन्हीं की कंसंट्रेशन का रेशियो आपसे पूछा गया है। आपने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दी, कौन सी E सेल इक्वल टू E0 सेल -2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप का रेशियो निकाला है। यहाँ पर आपको दिया गया 2.303 RT/F की वैल्यू दे देगी 0.06, तो यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट होके आया E0 सेल इक्वल टू -0.06/N लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, और मैंने यहाँ पर E सेल की वैल्यू को जीरो कर दिया है इक्विलिब्रियम में।
अब E नॉट से क्यों होगा, इधर साइड चला जाएगा। E नॉट से होता क्या है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों के दोनों SRP होने चाहिए। तो हमें यहाँ पर SRP की वैल्यू दी भी गई है। अब मेरा कैथोड कौन सा है, लेड है, और लेड की वैल्यू कितनी है, -0.13। तो यहाँ पे -0.13 लिख दिया, और माइनस एनोड, एनोड की वैल्यू कितनी है, -0.14। तो ये वैल्यू -0.14 लिख दी। अब ये 0.06/2 किया तो ये 0.03 हो जाएगा लॉग, और ये रेशियो हो गया। इसके बाद में आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू 0.01 आएगी। तो ये 0.01/0.03 इधर चला गया, और ये लॉग 10/ln आ गया। आपने यहाँ पर इसका एंटी लॉग दिया तो ये वैल्यू आ गई 2.1544। बट चूंकि ये इंटीजर टाइप का है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.02.1544 इस तरह से इसको लिखना है। तो आंसर इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl3 के साथ रिएक्शन दी गई आयरन की, और ये क्या कर रहा है, O2 बना रहा है प्लस FeO प्लस NaCl बना रहा है। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। कह रहा है कि इन द अबव रिएक्शन 492 लीटर ऑफ O2 इज ऑब्टेन्ड एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर। डिटरमाइन द मास ऑफ NaCl3 रिक्वायर्ड इन किलोग्राम। R की वैल्यू दी गई है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। आप इसको चाहे मोल कॉन्सेप्ट का मान लें और चाहे आप इसको गैस स्टेट का मान लें। क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है, और बैलेंस रिएक्शन है तो 1 मोल NaCl3 गिव्स 1 मोल ऑफ O2। आपको समझ में आ गया कि 1 मोल NaCl3 से 1 मोल जो होगा वो O2 बनेगा। तो यहाँ से आप O2 के मोल निकाल लीजिए, जितने मोल O2 के होंगे उतने ही मोल NaCl3 के रिक्वायर्ड होंगे। तो अब हमको समझ में आ गया कि O2 के मोल हमको निकालने हैं। O2 क्या है, गैस है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं PV=nRT, तो नंबर ऑफ मोल n जो आएंगे वो क्या आएंगे, PV/RT आएंगे। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ NaCl3 मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा, और इसको हम PV/RT लिख देंगे। प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम जो होगा 492 है, टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन है, और यहाँ पर 0.0821 आपने ये वैल्यू रख दी जो दी गई है आर की, इससे 20 मोल्स आ जाते हैं। अब मोल अगर आ गए तो मास कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मॉलिकुलर वेट। तो आप अगर मोल वेट कैलकुलेट करोगे तो वेट इक्वल टू मोल इंटू मॉलिकुलर वेट। NaCl3 का वेट अगर देखेंगे तो 106.5 आता है, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो 2130 ग्राम आ जाएगी। जिसको किलोग्राम में आप बदलोगे तो 2.130 किलोग्राम हो जाएगा, बट लिखना कैसे है, 02.130 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 02.13 जो होगा वो आपका आंसर केजी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम कॉम्प्लेक्स MCl5 आपको दिया गया है, जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाता है। यहाँ पे मैंने इसको TBP लिख दिया है शॉर्टकट में। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाता है एंड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनाता है। कह रहा है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री LML बॉन्ड एंगल्स, मतलब लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड एंगल्स को आपको देखना है, जो कि 180 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ये आपने बना दी, इस तरह से ट्राइगोनल हो गया और एक पिरामिड बाइपिरामिडल बन गया, ठीक है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये आप इसको मान लीजिए, हाँ मेरे हाथ को मान लीजिए कि ये ट्राइगोनल है, इसके ऊपर एक पिरामिड ये है और एक पिरामिड ये है, तो ये कैसा हो गया, बाइपिरामिडल हो गया। अब आप जरा सोचो कि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, ठीक है। यहां से इसके बीच में 90 डिग्री 1, 90 डिग्री 2, 90 डिग्री 3, 90 डिग्री 4, 90 डिग्री 5 और 90 डिग्री 6, यानी 6 90 डिग्री होगा, 1 180 डिग्री हो गया। अब 120 डिग्री सोचो तो 120 डिग्री 1, 120 डिग्री 2 और 120 डिग्री 3, ठीक है। तो 90 डिग्री के 6 हो गए, 120 डिग्री के 3 हो गए, 180 डिग्री के 1 हो गया, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। 10 बॉन्ड एंगल तो आपको मिल गए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। अब जरा स्क्वायर पिरामिडल में सोचो, स्क्वायर पिरामिडल में आप फिर से इस हाथ को स्क्वायर मान लीजिए, तो ये एक स्क्वायर हो गया और इसके ऊपर एक ये पिरामिड हो गया, तो ये कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। अब आप इसमें सोचिए तो 90 डिग्री 1, 90 डिग्री 2, 90 डिग्री 3, 90 डिग्री 4, ठीक है ना, फिर 90 डिग्री 5, 90 डिग्री 6, 90 डिग्री 7, 90 डिग्री 8, ठीक है ना। तो इस तरह से 90 डिग्री के आपको कितने मिल गए, 8 मिल गए। अब 180 डिग्री का सोचो तो 180 डिग्री 1, 180 डिग्री 2,
तो 180 डिग्री के दो मिलेंगे, यानी टोटल आपके पास 10 यहां से मिल गए। टोटल बॉन्ड एंगल कितने मिल गए? 20। बट लिखना आपको इंटीजर में कैसा है, 20.00। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 20.00 आएगा।